आज स्टेनो की क्लास, ये सातवीं क्लास है अपनी, और इसमें हम ये चार चीज़ें लेंगे, चार पांच चीज़ें। तीन लेटर से हम वर्ड बनाना सीखेंगे, यानी तीन अक्षर के शब्द निर्माण। फिर उन पर हम मात्राएं लगाना सीखेंगे, जितने भी मात्राएं जो होती हैं स्वरों की, वो मात्राएं लगाना, उस पर अप्लाई करना सीखेंगे। और तीसरा है स्टेनो के सर्वनाम। सर्वनाम स्टेनो में अलग लिखते हैं, जो शॉर्ट तरीके से लिखते हैं सिर्फ उनको बताया जाएगा। और परसर्ग यानी विभक्तियाँ जो होती हैं, कारक की जो विभक्तियाँ होती हैं, काके की जो होती हैं, उनको परसर्ग कहते हैं, विभक्तियाँ भी कह सकते हैं। सहायक क्रियाएँ जो क्रियाओं के सहायक होती हैं, जैसे रहा है, रही है, सकता है, सकती हैं, चुकी हूँ, उनको आसुलिपि में शॉर्ट तरीके से किस तरीके से लिखते हैं। तो आज हम इन तीन चारों चीज़ों को लेंगे, और आज का ये वीडियो पूरा देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है ये। तो चलो हम शुरू करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले लिखने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद में मेरा वीडियो चला सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे से और रे दो शब्द मिलके आपने मिलाना सीख लिया, फिर रे और दे किस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे आपने दो दो शब्द मिलाने सीख चुके हैं हम। और चलो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो आज लंबा होने वाला है थोड़ा सा। तो ये से हो गया, ये रे हो गया, और ये दे हो गया। हम थोड़ा धीरे धीरे लेंगे आराम से, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है और ये बेस है, अभी आप गलत ना सीख लें। इसलिए ये से, ये रे और ये दे, ये चौकोटी कॉपी में ही लें अभी, इसमें ही प्रैक्टिस करें, नहीं तो ये वर्ड का जो डायरेक्शन है इसमें दिक्कत आएगी आपको, लेटर का जो डायरेक्शन है। अब देखो कलश करते हैं, देखो के इस तरीके से लेते हैं हम, के फिर ले, ठीक है, फिर ये से हो गया, ये कलश हो गया, यानी के, ये ले और ये से, इस तरीके से हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं हम कमल, ये के, ये मैं और ये ले। अब स्पीड से लो ज़्यादा कर सकते हैं, यूट्यूब आपको फैसिलिटी देता है। तो अब आप रमन देखते हैं, ये रे हो गया, रे मैं और ये ने, टे से छोटा होता है ने। अब ये जो श्रीमान है, ये श्री नहीं होता है, इस तरीके का जो ये श्री होता है ये स्टेनोम नहीं होता है, इसकी जगह हम ये क्षमा वाला यूज लेते हैं, ठीक है। क्षमा, वह क्षमा किस तरीके से लिखते हैं हम, ये क्षमा लिखते हैं स्टेनो में, तो हम इसका यूज करेंगे। तो हम बना लेते हैं ये छी मैं ने, ये छी बन गया, और मैं पे आ की मात्रा लगा दी, ये बन गया छीमान, तो हम इसको श्रीमान ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये एक और ले लेते हैं, ये छ, ये मैं और ये ते, तो ये अपन, सॉरी अपन ने ई की मात्रा नहीं लगाई, ई की मात्रा ये होती है, और इस पे मात्रा ये छी हो गई, यानी श्री मैं और ती पे माँ ई की मात्रा, ठीक है। ये मात्राएं मैंने, आप पिछले वीडियो में देख लेना, मात्राएं मैंने बताई थी अच्छे से, और मैं यूज आती जाएंगे तो आप याद करते जाना। अब हम ने लेते हैं, ये ने, ये और ने, ये नयन हो गया, इन पे भी हम मात्राएं लगाना सीखेंगे वापस, एक बार वर्ड बनाना सीख लें तीनों। तो चलो जय ले और ये दे, ये जलद हो गया। अब चरस लेते हैं, ये च, ये रे और ये से हो गया, ठीक है। चरस देख लो दोबारा, च और रे में ये थोड़ा सा है, ज़्यादा हो गया मेरे से, कम लेना है आपको, दोबारा बनाता हूँ मैं, च रे और ये से ऊपर की तरफ। अब हम आदमी लेते हैं, आ और इस तरीके का हमने दी लिया था, और ये मैं बन गया, और इस पे आ की मात्रा लगा दी हमने, आदमी हो गया। अब औरत ले लेते हैं, ये ए रे और ये ते, तो औरत पे औ की वो लगेगी, ये औ की मात्रा होगी, इस तरीके से ये औ की मात्रा है, छोटी लेनी है, छोटी साइज में, ये आपको समझाने के लिए बड़ी बना दी मैंने थोड़ा। चरम लेते हैं, चे रे और ये मैं, चरम हो गया। बीमारी लेते हैं हम, ये बे बनाया, फिर ये मैं और ये रे बनाया। अब इस पे मात्राएं लगा लेते हैं हम, ये बे पे हम ई की मात्रा लगा दी,
मैं पे हम बीच में जो मैं है आ की मात्रा लगा दी, फिर रे पे हमने ई की मात्रा लगा दी, ये बीमारी हो गई। और तरीके से हम किनारे लेते हैं, हम बनाते हैं कै न और ये रे। अब मात्राएं लगाते हैं हम, कै पे ई की मात्रा की, न पे आ की मात्रा ना, रा पे आ की मात्रा रा, किनारा। ये मात्राएं टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी आपस में। अब हम सरल लेते हैं, देखो से रे और ये ले, सरल हो गया, अच्छे से देख लेना इसको। और सकल लेते हैं, सकल ये स, फिर ये क और ये ल। मैंने आपको इनमें डायरेक्शन में बताया था, मेरा पिछला वीडियो देख लेना। देखो इसमें स और रे नीचे से लिया था हमने, ये स फिर ये रे इस तरीके से गया है, और इसमें हमने स ऊपर से हमने मिलाया इस तरीके से। इसमें स में देखो रे ले और से मिलाएंगे तो इस तरीके से ही आएगा, इसमें से में ले मिलाएंगे तो और से में से मिलाएंगे तो, बाकी इस तरीके से ऊपर से ही मिलेंगे इसमें सारे सब। ये सकल हो गया, फिर ये चलन देख ले हैं, ये च ये ले और ये न, ये चलन हो गया। अब आप खटक देखते हैं, ख ट क, तो इस पे हमने ये डॉट लगा दिया, ये ख बन गया, ये ट बन गया क। अब मकर लिख देते हैं, ये मैं कै और ये रे, मैं कै मिलाया और ये रे। ठिकाना देख लेते हैं, ये ठे ये कै और ये ने। अब इस पर डॉट लगा दिया हमने, ठी बन गया, इस पर ई की मात्रा लगा दी ठी, कै पे आ की मात्रा लगा दिया का, ने पे आ की मात्रा लगा दी ठिकाना। मदन देख लेते हैं, मैं दे और ये ने, ये मैं हो गया, फिर ये इस तरीके से दे और फिर ये ने, टे से आधा छोटा बनाता है। भरत देख लेते हैं, ये बे और ये रे और ये ते, हमने इस पर डॉट लगा दिया तो ये भय बन गया, भय रे ते। सुर भी देख लेते हैं, देखो अभी बताया था मैंने, इसमें से रे में ऊपर से लेते हैं, नीचे से मिलाते हैं, सॉरी ये से ये रे और ये भी भय। अब देखो से पे ऊ की मात्रा, ऊ का डायरेक्शन ये होता है, और रे पे कोई मात्रा नहीं है, भी पे ई की मात्रा, ये बन गया सुरभि। अब हम सर्दी लेते हैं, देखो स रे और ये दी, तो दी पे ई की मात्रा, सर्दी। मेहंदी लेते हैं हम, ये मैं सॉरी ये मैं, ये डायरेक्शन सॉरी इधर से लेंगे इसका मेहंदी का, ये मैं ये है और ये दी। दोबारा से लिख लेते हैं मैं, इसका डायरेक्शन देख लेना अच्छे से, अपनी सुविधा अनुसार हम डायरेक्शन बनाते हैं, जिसे हम एक बार पेन टेंके और दोबारा ख़त्म तभी हो जब पूरा शब्द हम या वर्ड लिख लें। ये मैं ये है हो गया इस तरीके से, और अब इसमें ये दे जोड़ देंगे, मैं पे ए की मात्रा लगा देंगे, ये ए हो गया, और दे पे ई की मात्रा लगा देंगे। अब समय देखते हैं हम, इसको आराम आराम से ले लेना, आपको वीडियो आपको धीमी लगे तो आप इसकी स्पीड तेज कर लेना, और स्पीड लगे तो आप इसको स्लो कर लेना। देखो हम से बनाएंगे, आराम से देखो से, फिर ये मैं और फिर ये। देखो मैंने पेन एक बार में टेका और ये सारे बना दिए, मैं दोबारा देखता हूँ आपको आसानी रहे जैसे, ये से ये मैं और ये, मैं का थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ये समय हो गया, नरक देखते हैं, ये न ये रे और ये क, नरक हो गया। कर्म देखते हैं, क रे और ये मैं, नज़र देखते हैं, न जे और ये रे। साजन देख लेते हैं, ये स ये जे ये न, तो से पे आ की मात्रा साजन। दामन देखते हैं, ये दा और इसमें मैं मिला दिया मैं और ये न, दे पे आ की मात्रा दामन। रसम देख लेते हैं, देखो रे में ये मैंने कल उसमें बता दिया था पिछले वीडियो में, ये रे ये से और ये मैं, ये रसम हो गया, यानी मैं अलग है और से की घुंडी ऊपर है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ये ऊपर वाली जो घुंडी है ये से की है, और ये नीचे बड़ी वाली जो है ये मैं की है रसम। अब रहम रहन देख लेते हैं, ये रे हो गया,
ये है हो गया और ये थोड़ी सी नय हो गया, इसमें ये रहन हो गया। अभी हम इसमें मात्राएं लगाना सीखते हैं, तो चलो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो आप सीख लेना, आज मैं सारी मात्राएं अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो धीरे धीरे आप ऐसे ही सीखोगे। बार बार मात्राओं का प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे अपन सीख लेंगे। तो अब ये देख लेते हैं हम सरद, ठीक है। अब इसको सर्दी बनाते हैं हम, ठीक है। इसमें छोटी छोटा भी आधा और पूरा शब्द नहीं होता है, जैसे हमने ये सर्दी इसमें आई थी ये रहे, तो इसमें भी पूरा ही बनेगा रे। इसमें आधे का और पूरे का कोई नहीं होता है स्टेनो में, ये हमको खुद शुद्ध करना है। जब हमको वापस स्टेनो में इसको टाइप करना है तो हमको खुद शुद्ध करना है। तो सर्दी पे ई की मात्रा अभी मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ मात्राएँ, ठीक है। कलश तो कोई शब्द बनेगा नहीं, इसको हम कमाल लिख सकते हैं। मैं पे आ की मात्रा, ये कमाल, ये रमन, ठीक है। इस पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, हम अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। नयन, ठीक है, जलद और बीमारी किनारा, सकल, चलना, ने पे आ की मात्रा, ये चलना हो गया। रहना, ने पे आ की मात्रा, रहना हो गया। रश्मि, ई की मात्रा, ये रश्मि हो गई। दामनी, ई की मात्रा हो गई। साज, साजन, नजरें, यानी हम इस पे ये लगा देंगे नजरें, तो ये ए की मात्रा हो जाएगी। हम रे पे ए की मात्रा, ये ए डी वाली एनक वाली मात्रा है, ठीक है। अब कर्म में ओ की मात्रा, ये वाली, ये कर्म हो गए। अब हम और कौन सी मात्रा रह गई, ऊ की मात्रा देखते हैं। मेहंदी, सर्दी, मदनू, मकरू, ये खटकू देख लेते हैं, ये ऊ की मात्रा हो गई। इस तरीके से हम मात्राएं अप्लाई, जिस शब्द पे हमको मात्रा अप्लाई करनी है उस शब्द पे हम मात्राएं लगा देते हैं। तो अब हम देखते हैं सर्वनाम, फटाफट देख लो, वीडियो लंबा हो रहा है आज, और थोड़ा सा टाइम दे देना एक वीडियो को, इसको बार बार देखोगे तो ये अच्छा है। ये मात्राओं से अभी ये आपकी स्टार्टिंग है, तो अभी आपको टाइम, थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ये प्रॉमिस है आपसे कि मैं कंप्लीट आपको स्टेनो सिखाऊंगा। 30 वीडियो में लगभग लगभग आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन डिक्टेशन स्टार्ट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये सर्वनाम है। परसर्ग आप जानते ही हो कि विभक्तियों को हम परसर्ग कहते हैं, जैसे ये काके की, ने, मैं, ये इस तरीके से, ये परसर्ग हो गए काके की, और इन दो शब्दों को जो जोड़ने का काम में आते हैं उनको हम परसर्ग कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कारक। और ये कुछ हमको सर्वनाम हो गए, अभी मैंने कम लिए हैं, धीरे धीरे मैं और लूँगा अभी आपको। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं। जो अलग बनेंगे यानी जिनको हम शॉर्ट लिखते हैं, अब जैसे ये है वह है तो हम पूरा लिखेंगे, ये वह लिखते हैं हम, यानी हम, मैं वह लिखता हूँ पूरा आपको कि ये वह है, तो ये वह बन गया और ये है बन गया, तो ये दोनों शब्द वही जुड़ गए, तो इसका कुछ शॉर्ट नहीं है। इस तरीके से मैंने ऐसे सर्वनाम नहीं लिए हैं जो शॉर्ट में नहीं है, मैं वही लूँगा जो आपको जो शॉर्ट है। इनको याद भी करना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने एक जगह ये सबको लिख दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये भी बताऊँगा कि भाई ये शॉर्ट क्यों लिए हैं, ये हमको खुद याद करने हैं। तो वो मैंने बताया था कि वो किस तरीके से बनेगा, ये ओ सीधा डायरेक्शन होता है इसका, ऊ का, ये ऊ हो गया और इसमें डायरेक्ट हम बाद में मैं लिख देंगे तो ये उसमें बन गया, ये ऊ है, और इसके बाद में ये के इस तरीके से बनता है तो उसके बन गया। तो पहले हम इनको ले लेते हैं, ये विभक्तियों को, जिससे आपको, क्योंकि ये बाद में उन शब्दों में काम आएंगे सर्वनामों में। जो का है, का को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये का बन गया। को जो है हम इस तरीके से बनाते हैं, ये को बन गया। की जो है, ये चौकुटी जो है इस तरीके से, इसमें हम नीचे की तरफ जो है की लिखते हैं, और अगर हमको एक लिखना हो इस तरीके से तो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। ऊपर की तरफ हमने ये डॉट लगा दिया तो ये एक बन गया, और नीचे की तरफ हमने डॉट लगा दिया तो की बन गई। स्टेनो का है और आपको इसी तरीके से याद करना है। ये के जो है, ये के बन गया इस तरीके से, ये डॉट लग गया तो ये के बन गया। न इस तरीके से, मैं, ये मैं हो गया, ये से हो गया, और ये और हो गया इस तरीके से। तो आप इनको याद कर लेना। ये मैं शायद अभी विभक्तियाँ पहली बार लिखे हैं, कुछ चीज़ों को तो हम पहले लिख चुके हैं, न को, मैं को, से को, और को, तो इनको याद करो। और अब हम इसमें इनको अप्लाई करते हैं। जो उसकी है, अब देखो, ऊ लिख दिया, ये ऊ लिख दिया, और इसके बाद में
की बना दी हमने नीचे की तरफ, ये उसकी बन गया, ये ऊ लिख दिया और ये का के डंडा लगा दिया हमने यानी का का, तो ये उसका बन गया। अब हम लेते हैं इसमें ई, हम इस तरीके से बनाते हैं छोटी ई, ये ई बन गया और मैंने इसमें मैं लिख दिया बाद में, तो ये इसमें बन गया, ये ई लिख दिया, इसके बाद में हमने ये के का चिन्ह बना दिया, इसके हो गया। अब हम इसकी लिखते हैं, ये ई लिख दिया और ये डॉट लगा दिया नीचे की तरफ, इसकी हो गया। अब हम इसका लेते हैं, ये ई हो गया और हम ये का डंडा हो गया, इसका हो गया। अब हम जो इससे कैसे लिखते हैं, ये हमने ई लिख दिया और ये से अलग लिखते हैं हम इससे में, तो ये क्या बना होगा इससे, यानी इससे अब ये पता लग गया कि इसमें एक वर्ड छूट रहा है, और हमने ये मिला के लिख दिया इसे और इस पर मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया इसे हो गया। अब लेते हैं हम उनमें, उनमें जो है ये ऊ और ने मिला दिया और इसमें मैं लिख दिया, हो गया ना शॉर्ट उनमें। अब हम लेते हैं उसे, उसे हम पूरा लिखेंगे ऊ से एक मात्रा, उसने लेते हैं हम ऊ लिख दिया और हमने ने लिख दिया, ये उसने हो गया। ये ऊ के बाद में हमने एक मात्रा लगा दी, ये उन्होंने या उन्हें दोनों हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, ये तुम्हारा तुम्हारी कैसे लिखते हैं, देखो देखो हमने तय बना दिया, ये तय इस तरीके से बनता है स्टेनो में। तय को हम रे से काटते हैं, किससे काटते हैं, ये रे की डायरेक्शन ये होती है। अब इसमें हम जिसकी भी मात्रा लगाएंगे, जिसकी भी मात्रा लगाएंगे ये वही बन जाएगा। जैसे हम इस पे रे पे आ की मात्रा लगा देंगे, रे पे क्या लगा देंगे हम आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया तुम्हारे तुम्हारा सॉरी। अब जैसे ये तय है, तय को रे से काट दिया मैंने और इस पे एनक वाली मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया ये तुम्हारे। ये तय को मैंने रे से काट दिया और इस पे ई की मात्रा लगा दी, देखो मात्राओं की डायरेक्शन देख लेना, तो ये क्या बन गया तुम्हारी। अब मैंने इस पे, अब देखो हम जो है तुमने कैसे लिखते हैं, तुमने का थोड़ा सा अलग बनेगा। ये तय हो गया और ये मैं हो गया, ठीक है, और ये न हो गया, इस पे हमने एक ही मात्रा लगा दी, ठीक है, ये तुमने हो गया। और अब लेते हैं हम अपना अपनी, देखो इसके लिए हम मैथ का दो लेते हैं, दो का फिगर लेते हैं, ये दो ये दो ये दो, अब आप समझना। इस पे हम जिसकी भी मात्रा लगाएंगे वो बन जाएगा, जैसे अपना पे आ की मात्रा, दो पे हमने आ की मात्रा लगा दी, अपना हो गया। इसमें हमने एनक की मात्रा लगा दी, ये अपने हो गया। इसमें हमने ई की मात्रा लगा दी, ये अपनी हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बार बार लिखो, एक शब्द को कम से कम एक रो में लिखना, जैसे ये आपको याद हो जाए और जिससे शब्दों को लिखने में आसानी होगी। मैं अभी इसका सेकंड पार्ट और बनाऊंगा, इसमें बचे हुए सर्वनाम और परसर्ग और लेंगे। अभी मैं मोस्ट जो काम यूज़ में आ रहे हैं अभी मैंने वो लिया है, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे सीखोगे, एकदम से मैं सारा बता दूंगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं। ये विभक्तियाँ मैंने बताई दी आपको, तो अब हम लेते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएँ आप जानते हो, जिससे क्रियाएँ पूरी होती हैं, जैसे जा रहा हूँ, जाना एक क्रिया होती है, जा रहा हूँ, अब ये रहा हूँ है जो है ये सहायक क्रिया है, ठीक है। वह खेल सकता है, खेलना एक क्रिया है, सकता है एक सहायक क्रिया हो गई, तो ये हिंदी का रूल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो सकता है, सकती हैं, सकते हैं, देखो मैं ये इन चीज़ों की क्लियर करूँगा आपको, जिससे ये समझ में आ जाए। देख राम खेल, राम खेल सकता है, सीता खेल सकती है, सॉरी ये थोड़ा समझाने के लिए है, हम खेल सकते हैं, ये थोड़ा हिंदी ग्रामर का पार्ट है तो मैं बता देता हूँ अभी हम आगे। ये राम, ये देखो ये पुल्लिंग हो गया, राम खेल सकता है, तो इसके आगे हम शक्ति नहीं लगा सकते क्योंकि ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग के आगे हम एक वचन पुल्लिंग और एक वचन लिखते हैं सकता है। अब जैसे सीता है तो इसके आगे हम जो ये शक्ति है स्त्रीलिंग है और एक वचन लिखेंगे। अब जैसे हम खेल सकते हैं, ठीक है, अब इसके सकते हैं ये बहुवचन हो गया और हैं पे ने की बिंदी आती हैं, तो इसका ऐसे नहीं लिख सकते हम खेल सकता है। तो ये हमको खुद शुद्ध करना है, ये हमको ग्रामर का आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम उसकी सहायक क्रियाएं लगा देंगे।
यानी सब्जेक्ट के ऊपर, ये हमको ग्रामर के खुद रूल आने चाहिए। तो ना देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सहायक क्रियाएं। ये सकता है, सकती है, हम तीनों तीनों एक प्रकार से लिखी जाएंगी इस तरीके से, और पहले वाले शब्द के नीचे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कि राम खेल, अब इसके नीचे ये पहला वाला शब्द हो गया, ये राम हो गया, और ये इसके बाद में ये खेल हो गया, अब बाद में आ गया कौन सा, ये सकता है। तो अब ये पहले वाले शब्द के, इससे पहले जो भी शब्द आएगा उससे थोड़ा नीचे लेना है, हमको मिलाना है, जिससे पता लग जाए कि हमने ये शॉर्ट में लिख रखा है, ये हमारा कोड है। ये इस तरीके से सकता है, इस तरीके से लिखना पहले वाले शब्द के नीचे। आप इसमें हिंट लिख लेना, पहले वाले शब्द के नीचे ये लिखना है, तब आपको पता लगेगा कि ये कोड में हमने लिख रखा है। अब जैसे उठता है, उठते हैं, उठती हैं, इसका भी वही है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन, इसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको भी हम पहले वाले शब्द के नीचे लिखते हैं। और अभी हम इसके बाद में हम वाक्य, यानी चार शब्द लूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बचा हुआ फिर चार शब्द, फिर जैसे ही हम वाक्य बनाना सीखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। अभी आप इनको एज इट इज याद कर लेना। अभी आप पहले वाले शब्द में अगर यहाँ समझ में नहीं आया हो आपको इधर, तो आप कन्फ्यूज मत होना, जैसे ही हम वाक्य बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा, तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इनको एज इट इज याद कर लेना। उठता है, उठती है, उठते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब देते हैं हम आता हूँ, आता है, आते हैं, इस तरीके से, ये ए हो गया ए, और हमने है बना दिया, ये इस तरीके का डायरेक्शन है इसका। अब जाता है, जाते हैं, जाते हैं, इसका, ये सब का इस तरीके से डायरेक्शन होता है। अभी आप इनको एज इट इज इस तरीके से याद कर लेना, जैसे ही वाक्य का प्रयोग होगा मैं बताना सिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब देखते हैं हम रहा था, रही थी, रही थे, ये भी पहले वाले शब्द के नीचे रे और डायरेक्ट थे लिखना है, ये सब का इस तरीके से ही है, इनको याद कर लेना आप। वाला है, वाली है, वाले हैं, इस तरीके से, ये वे बना दिया और ये ले बना दिया। तो ये आपका पूरा आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं और सहायक क्रियाएं, सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह और अन्य जो शब्द हैं जिनको शॉर्टकट में लिखते हैं मैं वो लूँगा, ये चलते ही रहेंगे, और बाकी जो आते जाएंगे, जैसे याद आते जाएंगे तो हम जैसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, शब्द लिखेंगे, तो उस तरीके से हम लेते जाएंगे साथ के साथ में। एक साथ आपको दिक्कत आती है याद करने में, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी था, ये मोस्ट ज़रूरी था, नहीं तो भी कन्फ्यूज होते हैं कि भाई पहले हमने नहीं बताया। तो आप इनको याद कर लेना, लिख के स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी बुक्स में उतारना और इनकी प्रैक्टिस करना कि एक शब्द को हम बार 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 लिखें, कम से कम एक दो रो में लिखें। और ये जो मैंने थ्री डिजिट के मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे इस तरीके के, ये वाले, इनके और अपने मन से बनाए हुए बनाना, तीन शब्द, दो शब्द, उन पर मात्राएँ लगाना अपने हिसाब से, जितने भी अपने जीवन में आने वाले यूजफुल जो इस तरीके के थ्री अक्षर से बनने वाले शब्द हैं, दो शब्द मैंने बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो इन शब्दों की। देखो ये बेसिक है, इस पर आप पकड़ अच्छे से बनाओगे, ये मजबूत पकड़ बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। अब एकदम से हम जंप नहीं मार सकते, मैं तीन या चार वीडियो में, तीसरे वीडियो में देखते हैं, हम जल्द से जल्द हम वाक्य बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम पैराग्राफ लेंगे और फिर हम स्टोरी लिखना सीखेंगे जितनी जल्दी हो सकेगी, लेकिन स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो, और देखो इतने लोग देखते हैं मेरे वीडियो को, मेरी मेहनत, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो कम से कम एक लाइक तो बनाओ यार, एक लाइक तो बनता है यार, तो जितने देखें कम से कम वो तो उसको लाइक करें यार, और थोड़े से बंदे जोड़ो यार, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे जितने ज़्यादा मुझे मोटिवेट करोगे मैं उतनी ही ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए। और ज़्यादा रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर मैं बीच में बंद कर दूँगा, ठीक है। इससे मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ, लेकिन मदद क्या, वो देख के व्यू देख लेते हैं और ना लाइक करते हैं, ना कुछ पता ही नहीं लगता है, ना कमेंट्स करते हैं। तो आप अपनी क्वेरी वगैरह कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, और लाइक ज़रूर करें। और जितने भी जिनको ज़रूरत है, जो कोचिंग नहीं जा सकते, जो डिस्ट्रिक्ट कस्बों में या बड़े शहरों में नहीं रहते, गाँव के जो बंदे हैं, जो आपके नज़दीक जो हैं, जिनको ज़रूरत है, उन तक पहुँचाइए,
एजुकेशन है, इसको छुपाओ मत। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बताओगे नहीं तो उसको पता नहीं लगेगा, कभी तो पता लगेगा, लेकिन आप उसको बता दोगे तो ये उसके लिए एक हेल्प होगी। और चलो आज का सेशन हम इतना ही ख़त्म करते हैं, तो थैंक यू सो मच।